समाजवादी शाह। और इन दिनों मुद्दा चल रहा है, किसी दिन चलता है चुनावी घमासान, चुनावी रण, चुनावी दंगल। और सामने आया है कि एक दमदार नेता चुनाव के कारण डरपोक बन गया है। क्या है मुद्दा, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है राजनीति समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, हमारे दर्शक लोग ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों चुनावी घमासान, रण, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना, कोई बोलता है चौकीदार चोर है, तो नरेंद्र मोदी का बयान आया था कि मैं चौकीदार हूँ, तब से कैंपेन स्टार्ट हो चुका था चुनावी चौकीदार। लेकिन इन दिनों बात आ रही है कि एक दमदार नेता डरपोक हो सकता है। कैसे हो सकता है एक दमदार नेता डरपोक? और इन दिनों ये बात भी सामने आ रही है कि एक नेता दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। सर, क्या है घमासान, क्यों हलचल मची है चुनाव के दौर में? वाकई ये बहुत गंभीर सवाल है कि जब भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं तो जो दिग्गज नेता हैं, जो अपने आप को देश चलाने के लायक मानते हैं, जो अपने आप को केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री के लायक समझते हैं, लेकिन वो वास्तव में इतने डरपोक होते हैं कि वो एक लोकसभा सीट या एक विधानसभा सीट की बजाय दो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। वो मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, या जो है अभी राहुल गांधी की हम बात करें, पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेता ने दो जगह से चुनाव लड़ा था। तो सर, इस बार भी उनके दो जगह से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक बनारस से उनका नाम सामने आया है। राहुल गांधी अमेठी से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और उनका नाम अब केरल की किसी लोकसभा सीट से चल रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जब आप इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हो, आप पूरे देश भर में अपनी पार्टी के नेताओं को टिकट देते हो, आप पूरे देश में रणनीतियां बनाते हो, रैलियां करते हो, सभाएं करते हो, और लाखों लोग जुटाने के बावजूद ये डरपोक नेता इतने ज़्यादा असहाय होते हैं, इतने ज़्यादा कमजोर होते हैं कि ये दो सीट से चुनाव लड़ते हैं। इससे जनता और देश दोनों का ही नुकसान होता है। सर, नुकसान होता है लोगों में अभी बातचीत, जैसे अभी अभी सवाल आया है कि राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, और एक दो दिन पहले सवाल आया था कि नरेंद्र मोदी भी दो जगह। सर, ये लोग नीतियां बनाते हैं, ये लोग शासन चलाते हैं, तो इन लोगों को फिर क्यों चुनाव मैदान में उतरना पड़ता है, क्या वजह रही है? ये पहली बार इसी साल हो रहा है या फिर पहले भी हो चुका है? ऐसा नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा है जी। जब दिग्गज नेता चुनाव हारने लगे, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी और भी अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे, कई बड़े दिग्गज नेता तीन चार दशक पहले चुनाव हारे, तब से परंपरा शुरू हो गई कि दिग्गज नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कि उनकी सांसदी या विधायकी नहीं चली जाए, इसलिए वो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। और वाकई दो जगह से चुनाव लड़ने वाले नेताओं को डरपोक कहा जाता है, क्योंकि वो एक जगह से चुनाव जीतते हैं, दूसरी जगह से हार जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि दोनों जगह से जीत जाते हैं तो एक सीट उनको छोड़ना होती है 6 महीने के भीतर। ऐसे स्थिति में वहां पर फिर से उपचुनाव होता है जी। आम जनता को फिर वोट डालना होता है। आम जनता आचार संहिता के कारण सरकारी कामकाज नहीं कर पाती है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाता है, और इसके अलावा करोड़ों रुपया उपचुनाव पर खर्च करना पड़ता है जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि दो दो जगह से ये लोग सीट चुनाव लड़ेंगे, तो इससे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे आपने बोला कि इंदौर से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ सकते हैं, तो जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस तरह की खबरें लगातार आ रही है कि मोदी दो जगह से लड़ सकते हैं और एक नाम इंदौर का भी संभावित है। आम जनता तो इनकी हंसी उड़ाने लग गई है, वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी, इस मामले में तो उनकी बिल्कुल मजाक उड़ाई जाती है कि ये इतने कमजोर क्यों है, क्या इनको भरोसा नहीं कि ये एक जगह से लड़ेंगे और जीत जाएंगे, क्या इनको ये भरोसा नहीं कि ये दोनों जगह से लड़ेंगे तो दोनों जगह से जीत जाएंगे, क्या इनको ये डर है कि एक जगह से लड़ेंगे और हम हार गए तो फिर क्या होगा? ऐसे में और कई बार दिग्गज नेता हारे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व हो उसका डरना और चुनाव की हार से डर कर दो लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना, ये उससे बड़ा मजाक है देश के लोकतंत्र के लिए। इससे बड़ा जो है मजाक और कुछ नहीं हो सकता। देश के चुनाव के लिए, देश की संसदीय परंपरा के लिए, देश के राजनीतिक माहौल के लिए ये कितनी शर्मनाक बात है कि बड़े नेता अपने आप को इतना कमजोर मानते हैं कि वो एक सीट की बजाय दो सीट से चुनाव लड़ते हैं ताकि कहीं ना कहीं तो हम जीत जाएंगे।
तो सर जैसा आपने बताया कि कहीं ना कहीं से जीत जाएंगे या फिर हार जाएंगे, तो सर क्या वजह है? या तो फिर इनको मैदान में उतारने के लिए कोई इनके पास कोई नेता दमदार नेता नहीं इस वजह से ये लड़ रहे हैं, कोई और ही वजह है कि लड़ने की उतर मैदान में उतरने की? मैदान में उतारने के लिए तो कई नेता होते हैं जी, लेकिन ये डरपोक होते हैं, इनको भरोसा नहीं होता है। और ये वाकई इन नेताओं से आम जनता को और मीडिया को सवाल पूछना चाहिए जब भी इनसे बात हो। या सोशल मीडिया अब तो बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके पूछना चाहिए कि क्या आपकी पार्टी किसी भी नेता को दो सीट से चुनाव नहीं लड़ाएगी, क्या आपकी पार्टी के नेताओं में इतना दम नहीं कि वो एक जगह से चुनाव लड़ें और जीत जाएं, इतना भी उनके अंदर भरोसा नहीं है। और इसके साथ साथ आने वाले समय में इसको लेकर कोई कठोर कानून भी बनना चाहिए। तो सर मेरे एक सवाल यह है कि जैसा आपने बताया प्रधानमंत्री मोदी एक प्रधानमंत्री है, उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दोनों के बीच बातें आ रही कि दोनों संसदीय सीट से दो जगह चुनाव। सर छोटे नेताओं की कभी ये बातचीत, वैसे आपने बताया कि बड़े नेता की है, तो सर छोटे नेता की कभी कोई बातचीत ऐसे सामने आई है? छोटे नेता तो बड़े दुखी होते हैं जी कि हमारे राष्ट्रीय नेता इतने कमजोर है कि वो दो जगह से लड़ रहे हैं, और सभी दल के कार्यकर्ता और नेता ये कहते हैं कि ये दो जगह से चुनाव लड़ते हैं और उस जगह का जो जमीनी नेता वर्षों से मेहनत कर रहा है वो टिकट से फिर वंचित रह जाता है। आम कार्यकर्ता और आम दरी बिछाने वाला जो सामान्य कार्यकर्ता है जिसका मौका आना चाहिए कि आज भी तो कल उसको टिकट मिलेगा, वो इंतजार करते रह जाता है। और बड़े नेताजी आते हैं, फ्लाइंग विजिट करते हैं और चले जाते हैं और चुनाव जीतने के लिए खड़े हो जाते हैं दो दो जगह से। कार्यकर्ता भी बहुत निराश होता है इस बात से। तो सर क्या आगे ऐसा होगा कि ये लोग दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, दो संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे? कौन लेगा इसका फैसला, चुनाव आयोग या केंद्र? ऐसा ये भी एक गंभीर सवाल है। जिस तरह से पूरे देश में ये बहस चल पड़ी है कि देश के सभी चुनाव एक साथ होना चाहिए, पंचायत, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा, क्योंकि हर दो चार महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। कभी उपचुनाव होता है तो कभी किसी राज्य का चुनाव होता है, राज्य का चुनाव निपट गया तो नगर निगमों के चुनाव शुरू हो गए, नगर निगम के चुनाव निपट गए तो पंचायत के चुनाव आ गए, फिर सहकारी बैंकों के चुनाव आ गए। तो चुनावी जो है काम करने के कारण बार बार आचार संहिता लगती है, और इस आचार संहिता के कारण दो दो तीन तीन महीने सारे काम ठप हो जाते हैं। उसी तरह से ये जो गंभीर सवाल है, चुनाव आयोग को आगे बढ़कर ऐसा कानून पास करना चाहिए या केंद्र सरकार से बात करके सहमति करके केंद्र सरकार अध्यादेश लाए, इसके लिए सभी दलों की सहमति हो कि चुनाव आयोग का जो नियम है उसमें ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो देश में कोई भी क्षेत्र से जाकर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो एक चुनाव में एक ही सीट से चुनाव लड़ेगा, दो सीट से चुनाव लड़ने की पात्रता समाप्त कर देना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन करोड़ों रुपया जो है चुनाव आयोग का खर्च नहीं होगा अनावश्यक रूप से, दूसरा आचार संहिता है बार बार नहीं लगेगी, तीसरा उपचुनाव नहीं कराना पड़ेंगे, और चौथा ये कि ये जो बल्लभ नेता हैं जो अपने आप को महान बताते हैं, यदि इनकी पकड़ जनता में नहीं है, इन्होंने अच्छे काम नहीं किए, ये जनता इनको नहीं चाहती है, तो फिर ये एक जगह से जब चुनाव लड़ेंगे तो हार भी जाएंगे, और जब ये हारेंगे तभी आम जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस चुनाव के बाद केंद्र सरकार चुनाव आयोग मिलकर इस नियम को बनाए कि कोई भी नेता एक चुनाव में एक ही सीट से चुनाव लड़ पाएगा, दो सीट से तीन सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जैसा आपने बताया कि इस घमासान के बीच दो दो जगह सीट लड़े, लोगों पर ट्वीट पे ट्वीट आ रहे, लोग मजाक भी उड़ाएंगे आगे, तो सर ऐसा ना हो कि दो जगह से लड़ने की बजाय ये एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए, सर आगे ऐसा हो सकता है? लोगों पर नेता पर फर्क पड़ेगा क्या इसका? निश्चित तौर पे अब युद्ध जो है वो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जी। पढ़ा लिखा होने के साथ साथ विचारधारा की बजाय तत्काल जो घटनाक्रम होता है या तत्काल जो फायदा होता है उस पर युवाओं का ध्यान सबसे ज़्यादा होता है। तो यदि युवा ठान ले कि वो उन डरपोक नेताओं को चुनाव नहीं जीतने दें तो एक अच्छा सबक मिल सकता है जी। सर आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी इंदौर से चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं जी? कैरल से? निश्चित तौर पर नाम तो चल रहे हैं, वैसे मोटे तौर पर ये खबर है कि नरेंद्र मोदी शायद एक ही जगह से ही चुनाव लड़ें, क्योंकि पहले उनके
यहाँ से बनारस से लड़ने के अलावा जगन्नाथपुरी से भी लड़ने की खबर थी और आज इंदौर से भी लड़ने की खबर चल रही है। राहुल गांधी ने अमेठी से लड़ने का तय किया और अब उनके केरल राज्य की किसी सुरक्षित लोकसभा सीट से भी लड़ने की खबर हो रही है। ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी से डर गए हैं और पिछला चुनाव महज 1.5 लाख वोटों से ही जीते थे, इसलिए उनको ऐसा लग सकता है कि मैं 2 सीट से लड़ूंगा तो सुरक्षित रहूंगा, ज्यादा फायदा होगा। तो देखा आपने किस तरह बताया कि जिस तरह चुनावी घमासान के बीच नेताओं की बात आ रही है कि 2 जगह से भी सांसदों की सीट लड़ सकते हैं, तो ऐसी जानकारियों के लिए और चुनावी लड़ में आप सभी का स्वागत है। हम आपको ऐसी चुनाव की खबर देते रहेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।